नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं झांसी की खबर की ओर। स्वतंत्र संग्राम सेनानी ग्राम सिमरदा में प्राचीन माघ मेले का शुभारंभ विशाल दो दिवसीय दंगल व पत्रकार सम्मान समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुरसराय देवेश पालीवाल व भारतीय महिला अधिकार संरक्षण संस्थान की बुंदेलखंड अध्यक्ष श्रीमती रेखा केपी तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कराया। कार्यक्रम के आयोजक निवर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी मोनू तिवारी ने मंच पर पत्रकारों को शॉल, डायरी व कलम भेंट कर सम्मान किया। दंगल में पहलवानों की रोमांचक कुश्तियां देखने को मिली, जिसका बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर भद्री प्रसाद त्रिपाठी, लोकेन्द्र सिंह, महेंद्र सिंह राजपूत के अलावा बलादीन राठौर, रामपाल यदुवंशी, राजेंद्र बुंदेला, अनिल शर्मा, अरविंद सिंह परिहार, राजकुमार मिश्रा, प्रदीप शर्मा, रिंकू सेंगर, मुवीन खान, कल्लू वर्मा समेत सम्मानित पत्रकार मौजूद रहे। झांसी के गरौठा से संवाददाता चंद्रभान सिंह परमार की रिपोर्ट। आज कहा जाता है, अगली वर्ष से हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों में स्थल दिलाने का प्रयास करेंगे। हम डायरी से भी इसकी बात करेंगे और हम लोग भी इसमें पूर्ण मदद करेंगे। प्रधान जी से हमारी बात हुई थी तो एक्चुअली कोरोना काल हो गया, तो इस वजह से हम लोग उसमें मदद नहीं कर पाए। अगली वर्ष से हम ये कहेंगे कि ये मेला प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों में शुमार किया जाए। करता है कि हाँ इस चीज़ को हम खुले माहौल में रखें, लेकिन फिर भी अनुमति लेना ही पड़ती है। एसडीएम